guys, welcome or welcome back to my channel again. If you're new here, hi, this is Tong Chen and welcome to my channel. तो आप लोगों को बहुत important एक update देना था मेरे YouTube channel के बारे में. तो मेरा channel 6 months पहले monetize हो गया था. Monetize यानी कि मेरा 1K subscriber होने के बाद एक कुछ आपको hours complete करना पड़ता है जिससे कि आपका channel monetize हो जाता है, मतलब रेवेन्यू कमाने का, पैसा कमाने का करीब हो जाते हो आप. तो वो मेरा 6 months पहले ही हो गया था, बहुत जल्दी हुआ है. तो इसके बाद जो एक रेवेन्यू एस्टिमेट होता है वो मेरा 2 months पहले हो गया था. तो 2 months पहले हो गया, उसके बाद रेवेन्यू कमाना बहुत ज़्यादा, मतलब एक डॉलर दिखाता है वो यूट्यूब में, यूट्यूब स्टूडियो में डॉलर दिखाते हैं. तो उसमें मतलब एक डॉलर कमाना भी बहुत तकलीफ है क्योंकि हम लोग का वीडियो इतना वायरल नहीं होता है. तो अगर जिसका वायरल हो जाता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पेमेंट यूट्यूब तभी पेमेंट देगा जब आपका $100 हो जाएगा. तो मेरा $14 ऐसा कुछ हो गया था. बट उससे पहले आपको आपका चैनल मोनिटाइज होने के बाद गूगल एडसेंस बोल कर एक अकाउंट होता है, उसको ओपन करना पड़ता है. तो मैंने उसे ओपन किया था. उसके बाद उसमें हम लोगों को कुछ फिलअप करना पड़ता है, फॉर्म एक होता है उसे फिलअप करना पड़ता है. तो उसमें एक ऑप्शन रहता है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और इंडिविजुअल. हमने गलती से, शायद हमको खुद को याद नहीं आ रही क्योंकि हमने 6 months पहले वो फॉर्म को भराया था. तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने गलती से क्लिक कर दिया था शायद, जबकि हमको इंडिविजुअल में करना था क्योंकि ये मेरा खुद का चैनल है. बिजनेस यानी कि हम किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं वो. इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी को मतलब कुछ भी स्कूल के लिए कुछ भी हो गया उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें होता है. तो मेरा वो अकाउंट चल ही रहा था, उसी में मेरा रेवेन्यू बन रहा था. हमको तो पता नहीं था. तो हमको उस दिन September 13 को एक मेल आया था यूट्यूब की तरफ से, लेकिन हमने देखा ही नहीं. हमने कल ही देखा है, एक मेल आया था ऐसा बोलकर कि मेरा यूट्यूब का एडसेंस बोलकर पिन होता है एक, वो आने के लिए एक वेरिफिकेशन चाहिए बोल के. तो मैंने उस पर क्लिक किया, उसके अंदर में था कि हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना था. तो हमने उसमें मेरा पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिया था. उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट भी मांग रहा था. तो हम सोचा अरे ये क्या है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो हमने मेरा वोटर आईडी कार्ड दे दिया उसमें ऐसे ही ट्राई करने के लिए. तो उसमें वेरीफाई हो गया, मतलब सबमिट हो गया, नॉट वेरीफाई, सबमिट हो गया. तो इसके बाद कल का शाम रात को 11 बजे जब हम वीडियोस एडिट कर रहा था उस समय को हमको फिर एक मेल आया कि आपका ये एडसेंस का जो अकाउंट है वो वेरीफाई हम लोग नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत है ऐसा बोल के. तो हमने उसमें क्लिक करके जाके देखा तो उसमें बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन का GST या फिर VAT ऐसा कुछ सर्टिफिकेट चाहिए उन लोगों को. तो वो तो मेरे पास ही नहीं था, अभी हम क्या करेंगे. तो हमने यूट्यूब सर्च किया क्या है ऐसा बोल के. तो मैंने गलती से 6 months पहले वो इंडिविजुअल की जगह ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, इसलिए मेरा चैनल को तो नहीं बोल सकते. जो रेवेन्यू एस्टिमेट हुआ था $14, जो मेरा अकाउंट में $14 बना था वो मेरा पूरा ज़ीरो हो गया है. आई फील सो सैड फॉर माई सेल्फ कि हमने इतना एक साल मेरा बच्चा 4 months होने में हम यूट्यूब स्टार्ट किया था. तो एक अभी तो 1 month 1 साल 5 महीना हो गया है मेरा बच्चा. तो 1 साल 1 महीना हो गया यूट्यूब करके मेरा भी. तो आई फील सो सैड फॉर माई सेल्फ कि इतना मेहनत करके इतना ख़राब फल मिला हमको. इसलिए आई जस्ट वांटेड टू अपडेट विथ यू गाइस कि अगर आप लोग यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप लोग सोच रहे हैं और आप लोग 1K क्रॉस कर लिया है, अभी आपको एडसेंस का अकाउंट बनाना है, तो प्लीज़ 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 अच्छा से काम में सोच समझ के फिलअप करना क्योंकि एक बार वो हो जाए तो चेंज नहीं होता. हमने मेरा जो हेल्प सेंटर है, गूगल एडसेंस का हेल्प सेंटर, इसके बाद जो यूट्यूब वीडियोज़ बहुत देखा ऐसे करते करते उल्टा सीधा कर करके हमको ऐसा लास्ट ऑप्शन ये बचा था कि मेरा अकाउंट को हमको क्लोज करना पड़ेगा, एडसेंस का नया खोलना पड़ेगा. तो मैंने सोचा ठीक है चलो नया ही खोल लेते हैं क्योंकि और कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास बोल कर. तो मैंने नया खोल दिया. तो इंडिविजुअल वाला मतलब मेरा जो ID वगैरह था वो सब सेम है, एड्रेस वगैरह.
तो एड्रेस वो लोग क्यों मांगते हैं बोलने से, क्योंकि एडसेंस का एक पिन आता है, पिन जनरेट करने के लिए एक लिफाफा टाइप में आएगा यूट्यूब से, तो उसके लिए ही मतलब वो लोग एड्रेस मांगते हैं। तो एड्रेस वगैरह पूरा सेम ही था, बस मैंने उसमें इंडिविजुअल कर दिया, तो मेरा एडसेंस का नया अकाउंट खुल गया। लेकिन जब हम यूट्यूब स्टूडियो में जाकर देखा, तो मेरा जो डॉलर पूरा वीडियोज़ में जो डॉलर्स ऐसा ऐसा करके दिखा रहा था वो पूरा गायब हो गया, और जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था मेरा $14 वो भी गायब हो गया। तो हम सोचा अरे ये क्या हो गया, क्योंकि मेरा एडसेंस का अकाउंट तो बन गया था, तो ये यूट्यूब में क्यों ऐसा। तो बाद में जाके जो अर्न वाला एक फोल्डर होता है उसमें जाके हम क्लिक किया है, तो उसमें प्रोसेस में दिखा रहे, मतलब अभी मेरा जो भी वो प्रोसेस हो जाने के बाद जो भी नया से होगा वो पूरा $0.00 से ही शुरू होगा। इतना खराब लग रहा है, इतना कब कब से इतना मेहनत किया। ऐसा नहीं है कि हमने यूट्यूब पैसा के लिए खोला है, हमको पसंद है, आई लव ब्लॉगिंग, हम जहाँ भी जाते कैमरा लेके ऐसा ऐसा करके हमको अच्छा लगता है। बट तब हमने रियलाइज़ किया कि अगर यूट्यूब करना इतना आसान होता तो आज हर कोई यूट्यूबर होता। यूट्यूब इज़ नॉट ईजी गाइस, ब्लॉगिंग करना ईजी है, बट एडिटिंग वगैरह और ये जो इसका वेरिफिकेशन वगैरह में मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी, और इसलिए मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि आप लोग ऐसा गलती ना करो। क्योंकि मैं हम लोग यहाँ का एरिया का ऐसा बहुत ज़्यादा लोग है जिसका 1K सब्सक्राइबर क्रॉस हो गया है, अभी रेवेन्यू बन रहा है उन लोगों का। तो आई जस्ट वांटेड टू हेल्प यू गाइस कि एडसेंस का अकाउंट अगर आप लोग खोल रहे हैं तो प्लीज़ ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल में ध्यान देना। हमको ऐसा डाउट है कि इंडिविजुअल का ऑप्शन हमको नहीं दिया गया था, दिया होगा बट हमको याद नहीं था, हम पता नहीं क्यों ऑर्गेनाइजेशन में दबा दिया होगा। आई फील बैड फॉर माई सेल्फ, बट क्या कर सकते हैं। अभी अभी मेरा पूरा अभी से आज से पूरा मेरा रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट सब कुछ रीस्टार्ट होगा। $1 बनाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों का 1K 2K ऐसा व्यूज तो आ जाता है, लेकिन इतना दूसरा वजह से वो नहीं होते। इसलिए मतलब $1 भी बहुत कीमती है मेरे लिए, तो मेरा $14 पूरा गायब हो गया। इतना खराब लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है, आप लोग भी समझ रहा होगा। हम आप लोगों को ये सब इसलिए बता रहे हैं, और जो लोग YouTube नहीं करते, जो मेरा वीडियोस देखते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, हम आप लोगों को इसलिए बता रहे क्योंकि वो जो डॉलर मेरा बना था आप लोगों का वजह से ही बना था, ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस, आप लोगों का सपोर्ट। ऐसा करके बीच में तो हम सोचे थे कि YouTube छोड़ भी देगा, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रहा था हमको। बट लव फ्रॉम तवांग, लव फ्रॉम नागालैंड, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा, एंड लव फ्रॉम ईटानगर, ऐसे ऐसे लव फ्रॉम एक मैसेज आया था, लव फ्रॉम कोहिमा, ऐसे ऐसा करके हमको बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कभी कभी, तो मुझे अच्छा लगता है। और जो मैंने वेट लॉस का वीडियो भी डाला था उसमें भी हमको इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, आपसे हम इंस्पायर हो रहे हैं, अभी हम भी ये वर्कआउट शुरू कर रहे हैं। और कमेंट नहीं किया उनसे, बहुत लोग बाहर से भी हमको बोला है कि मेरा वीडियोज़ देख के वो लोग मोटिवेट हो गए, वो लोग भी कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं ऐसा करके। तो आई फील ब्लेस्ड, इसलिए हम यूट्यूब नहीं छोड़ा था। बट बीच में हम ऐसा हो गया था कि रात को इतना, रात पर हम एडिटिंग करते, क्योंकि मैं शॉर्ट्स हर दिन, मैं शॉर्ट्स एक एक शॉर्ट्स डालती हूँ, एंड हफ्ते में 2 बार मैं वीडियोस डालती हूँ। इसलिए इसलिए हम व्लॉगिंग तो हर कोई कर लेगा, लेकिन एडिटिंग थोड़ा तकलीफ है, इसलिए हमको तकलीफ हो रहा था, तो हम सोचा था छोड़ देंगे। फिर आप लोग सभी का इतना प्यार देख कर हम नहीं छोड़ पाए, तो हम आगे भी नहीं छोड़ेगा, हम कंटिन्यू करेगा, भले ही मेरा रेवेन्यू 0 हो जाए फिर भी मैं कंटिन्यू करूँगी आप लोगों के लिए। तो ऐसा ही प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, एंड यस इतना ही था आज के लिए। Thank you.